नई सुबह के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलाम वालेकुम, नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के ऑडियो लर्निंग ट्यूटोरियल्स के साथ मैं हूं मिस दुर्रानी। आज हम बनाना सीखेंगे कच्चे गोश्त की बिरयानी। कच्चे गोश्त की बिरयानी बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की जरूरत है उनमें शामिल है चिकन या बीफ 1 kg, गरम मसाला पाउडर 1 tablespoon, पिसी लाल मिर्च 1 tablespoon, पिसा धनिया 1 tablespoon, नमक 5 tablespoon, हल्दी 1 teaspoon, जीरा 2 tablespoon, काला जीरा 1 teaspoon, जिंजर पाउडर 1 teaspoon, टाटरी 1/4 teaspoon, बड़ी इलायची 2 अदद, छोटी इलायची 3 अदद, दालचीनी 6 अदद, लौंग 6 से 7 अदद, काली मिर्च 12 अदद, तेज़पत्ता 2 अदद, सौंफ 1 teaspoon, बादियान के फूल 2 अदद, बादियान के फूल 2 अदद, जायफल जावित्री पाउडर 1/2 teaspoon, लहसुन अदरक पेस्ट 2 tablespoon, कच्चा पपीता 4 tablespoon, दही 250 ग्राम, हरी मिर्चों का पेस्ट 1 tablespoon, हरा धनिया 1 bunch, पुदीना 1 bunch, ब्राउन प्याज 1/2 cup, ऑयल या घी 250 ml। तरकीब, सबसे पहले तमाम मसाले गोश्त में डालकर इसे 15 घंटे के लिए मैरिनेट कर दें। याद रहे कि अगर गोश्त चिकन का हो तो 8 घंटे मैरिनेशन होगी। अब दूसरी तरफ चावलों को 1 घंटे के लिए भिगो दें, फिर इसमें 4 खाने के चम्मच नमक डाल के इसे हाफ बॉईल कर लें। अब सबसे पहले पतीली में चावलों की लेयर लगाएं, फिर इसमें घी या ऑयल थोड़ा सा डाल दें, फिर इसमें गोश्त की लेयर लगाएं, हरा मसाला और ब्राउन प्याज थोड़ी डालें और थोड़ा सा घी डाल दें, फिर दोबारा चावलों की लेयर लगाएं, फिर हरा मसाला थोड़ा और ब्राउन प्याज डाल दें। अब इस पतीली के किनारों पे आटा लगाएं और ढक्कन ढक के इसे टाइट बंद कर दें ताकि स्टीम बाहर ना निकले। अब इसे 5 मिनट तक फुल आंच पे रखें, उसके बाद 50 मिनट के लिए दम आंच कर दें। अगर गोश्त नहीं गला हो मजीद गोश्त गलने तक दम पर रख दें। अब चूल्हा बंद कर दें और एहतियात से निकालें। रायते और सलाद के साथ पेश करें, मज़ेदार कच्चे गोश्त की बिरयानी तैयार है। ये थी हमारी आज की रेसिपी। अब आपसे अगली रेसिपी में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।